नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। यूपी के उन्नाव से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पर बदलते मौसम के साथ ही वायरल इन्फेक्शन का हमला तेज हो गया है। मरीजों की तेज बुखार के साथ ही सर्दी जुखाम और साथ ही सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वायरल सांस की नली से संक्रमण का स्तर बढ़ता जा रहा है। वही इन्फ्लुएंजा वायरस से मिलते जुलते लक्षण वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। इसको लेकर शासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिला प्रशासन ने बता दें कि जिला अस्पताल की ओपीडी में 1000 से अधिक मरीजों के लिए पंजीकरण करवाया है। इसमें सबसे अधिक मौसमी बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या रही है। बता दें कि फिजिशियन और साथ ही बाल रोग विशेषज्ञ की ओपीडी में मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है। चिकित्सकों के अनुसार सबसे अधिक मरीज बुखार, सर्दी और खांसी जैसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मरीजों में इन्फ्लुएंजा वायरस के लक्षण मिल रहे हैं। जिला अस्पताल में पारदर्शिता डॉक्टर बता दें कि कौशलेंद्र के अनुसार वायरस इन्फेक्शन के पीड़ित मरीजों की संख्या इन दिनों बढ़ती जा रही है। जो इसमें जुखाम सर्दी चल रही है, जो कोरोना की तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ठीक है, H3N2 टाइप का इन्फ्लुएंजा वायरस ऐसा माना जा रहा है कि इस टाइप का इन्फ्लुएंजा है। इसको कोरोना की तरह ही बचाव करना है कि डिस्टेंसिंग करें, लोग मास्क पहने, हाथ धोने बार बार और थोड़ी दूरी बनाए रखें, गुनगुना पानी पिए, पंखे के नीचे कम रहें, ये सब सावधानियां बरतें, खाना ताजा खाएं। बांदा में गर्मी शुरू होते ही लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। बता दें कि जहां बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरसते नजर आ रहे हैं, लोगों ने खाली बर्तन रखकर सड़क पर जाम लगाया है। वहीं सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना हर घर जल हर घर नल की पलीता लगाती हुई तस्वीर सामने आई है, जहां पर सरकार के जिम्मेदार अधिकारी अनदेखी और लापरवाही के चलते मंडल मुख्यालय में बूंद बूंद के लिए पानी के लिए लोग तरसते नजर आ रहे हैं। सड़क पर जाम लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। वही बता दें कि इस दौरान पुलिस प्रशासन भी वहां मौजूद नजर आई और लोगों को समझाती बुझाती नजर आई। नगर के निवासी हैं और यहां पर 4-5 महीने से रात बच्चे जग रहे हैं, पानी नहीं आता, पूरी रात बच्चे पानी भरते हैं, मोटर चला के पानी नहीं आता और जो है किसी भी घर में पानी नहीं आता, बिजली साल पूरे 5-6 महीने रही और 3-4 महीने अभी चालू हो गई और जो है हमारी ये अपील है कि हमारे जो है गायत्री नगर में मोटी लाइन पाइप की जो है नई पड़नी चाहिए। फरुखाबाद में नशे के बता दें कि धुत में रईस जादो ने दबंगई का मामला ये सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि शराब के नशे में धुत रईस जादे की दबंगई का वीडियो यहां वायरल होता हुआ नजर आया, जहां वायरल वीडियो में दबंग रईस जादा कर्नलगंज चौकी में आग लगाने और बम से उड़ा देने की धमकी देते नजर आए। रईस जादे के उत्पाद को रोकने के लिए पुलिसकर्मियों ने भी हिम्मत नहीं की है। बांदा में 36वें दिन पीड़ित के विकलांग पति ने अनशन स्थल पर बैठे नजर आए और बीमार बताकर जबरन बता दे कि वहां पर लोग जो है सिविल लाइंस चौकी पुलिसकर्मी वहां पहुंची और उनको उठा कर ले गई। वहीं सिविल लाइंस चौकी पुलिस पीड़िता चिल्लाती रही कि मेरे पति बीमार नहीं है, लेकिन जबरन उठाकर उन्हें ले जाया गया है जिला अस्पताल और साथ ही पीड़ित परिवार न्याय पाने के लिए अनशन पर बैठा हुआ था, लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक उसकी सुध नहीं ली और इसी को लेकर अनशन पर बैठे रहने के कारण ही वहां पर प्रशासन पहुंचे और इस दौरान पीड़ित पति को उठाकर वहां से ले गए हैं। सर, हम नारायणी विधायिका ओमणि वर्मा के सह से जो गुंडागर्दी हो रही है, क्योंकि ओमणि वर्मा जी हमारा मकान लेना चाहती हैं जबरन, किसी भी दाम पे कि हम छोड़ करके भाग जाएं उनको दे दें, और जब नहीं माने तो हमारे पिता के साथ मारपीट करवाई, उल्टा हम ही लोगों को जेल भिजवाया गया, मुझे और मेरे पिताजी को। और आज 36वां दिन है अनशन का, हम यहाँ अशोक लाट पर न्याय की प्रतीक्षा रत यहाँ पर बैठे हैं, सभी जगह शिकायत पत्र दिए, मेल भेजे, पोर्टल में डाला गया। मैं कहा कि जो अशोक लाट अनशन स्थल में बैठे कितने दिन? छत्तीस दिन, मतलब 1.5 महीने। पुलिस जबरन कहा
सर अभी भी जो है पुलिस के द्वारा अशोक लाट अनशन स्थल से पीड़ित परिवार को उठा के लाया गया। करीब 11 बजे बुद्ध विलास तिवारी नाम के व्यक्ति को यहाँ लाया गया था और यहाँ दो पुलिस के कांस्टेबल लेके आए थे दरोगा के साथ। और बता दें कि पौड़ी का ये पूरा मामला है, बांदा का ये पूरा मामला है, जहाँ पर पीड़ित जो है अनशन पर बैठे हुए थे और तमाम अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे नजर आए थे। काफ़ी दिनों से वो अनशन पर बैठे थे, लेकिन वहाँ पर प्रशासन पहुँची पीड़ित की मदद करने के बजाय। वहाँ पर प्रशासन पीड़ित जो बैठे हुए थे, पीड़ित के पति को वहां से उठा के ले गई, ये कहकर कि आपकी पति की तबीयत खराब है। पीड़िता वहां पर चिल्लाती रही कि मेरी पति की तबीयत ठीक है, लेकिन वहां प्रशासन पहुंची और वहां उसको पीड़ित के पति को उठाकर ले गई और जिला अस्पताल लेकर पहुंची है। बता दें कि लगातार ये जो पीड़ित पति और पत्नी है काफी दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे अपनी तमाम मांगों को लेकर। 36वें दिन पीड़ित के परिवार जब अनशन पर बैठे थे, वहां पर प्रशासन पहुंची और उनके पति को जबरन उठाकर ले जाया गया। राष्ट्रीय कृषि और ग्राम में बता दें कि ग्रामीण बैंक विकास बैंक द्वारा NRM, साथ ही बता दें कि राष्ट्रीय अधिवेशन अधिविका और साथ ही मिशन के तत्वाधान में ललितपुर के कंपनी बाग में फागुन मेला आयोजित किया गया है। मेले का उद्घाटन सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने किया है। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बच्चों द्वारा प्रस्तुति की गई। इस मेले में स्वयं महिला सहायता समूह के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट उत्पाद किए गए हैं, उनकी एक प्रदर्शनी लगाई गई है। वहीं आगरा में नगर निगम ने कुत्तों पर अंकुश लगाने के लिए शहर में चारों जोन में नसबंदी और साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं, लेकिन करीब 68 लाख रुपए का भुगतान ना होने के चलते नसबंदी की प्रक्रिया ठप हो गई। आपको बता दें कि नगर निगम के अधिकारियों ने मुताबिक शहर में करीब 65,000 आवारा कुत्ते हैं और आए दिन कई लोगों को अपना शिकार बनाते हुए नजर आते हैं। नगर निगम के द्वारा जो एनजीओ को काम के लिए लिया गया है वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। 9488 डॉग्स का भी तक इन्होंने कास्टेशन कर दिया है। आज समाचार पत्र के माध्यम से मालूम चला कि काम में कुछ गति आई हुई है, तो उसकी जांच की जाएगी और जो भी एनजीओ काम कर रही है उनका भुगतान टाइम से करा के जो भी डॉग कास्टेशन की प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाएगी। हरदोई के बेहटा गोकुल थाना बता दें कि क्षेत्र में एक युवती रात के अंधेरे में अकेले ही प्रेमी के घर जा पहुंची और वहां पर ये बोलती भी नजर आई कि मैं शादी करूंगी तो इससे ही करूंगी। साथ ही इस दौरान युवती ने प्रेमी के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। युवती द्वारा प्रेमी के साथ वीडियो बनाकर वायरल करने का ये मामला बेहटा गोकुल थाना इलाके का है, जहां पर रहने वाली एक युवती का एक युवक से प्रेम संबंध चल रहा था। युवती के परिजन इस संबंध से संतुष्ट नहीं थे, खुश नहीं थे, जिसको लेकर ये पीड़ित जो युवती थी यहाँ लड़के के घर पर पहुंची और इस दौरान ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल इसने कर दिया। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये एक युवक और एक युवती दोनों ने मिलकर वीडियो बनाया है, जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग स्वेच्छा से घर छोड़ के निकल आए हैं। वीडियो में जो युवती है वो चंदूपुर खैराई गाँव है, बेहटा गोकुल में वहाँ की निवासी है और युवक भी बेहटा गोकुल क्षेत्र का ही है। दोनों करीब 22-23 साल के बालिग हैं जो स्वेच्छा से गए हैं और इसमें किसी पक्ष से कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुआ है। और हरदोई का आपको पूरा मामला दिखा रहे थे, जहां पर एक पीड़िता जो है युवती अपने प्यार की गुहार लगाती हुई नजर आई। वहीं आप बात करेंगे गुलसराय में एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों का कहना है कि फसल खराब होने की वजह से युवक का तनाव था, इसी वजह से उसने सुसाइड किया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी, जबकि युवती बता दें कि जबकि युवक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मृतक का नाम शांतनु है। वहीं बता दें गुलसराय का रहने वाला ये युवक है, जहां पर बता दें कि इस युवक ने
आत्महत्या कर ली है। और साथ ही झांसी का ये पूरा मामला, झांसी के गुसराय का, जहां पर एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या की है। परिजनों ने इस मामले को लेकर कहते नजर आए हैं कि फसल खराब होने की वजह से युवक को तनाव था और इस तनाव के कारण उसने आत्महत्या की है। साथ ही बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई में प्रशासन लगातार जुटी हुई है इस मामले को लेकर। लेकिन जिस तरीके से इस युवक ने सुसाइड करने की कोशिश सुसाइड किया है, और साथ ही जिस इस तरीके से इस युवक के जो परिजन है इस मामले को लेकर फसल खराब होने की बात कहते हुए नजर आए थे, प्रशासन इस मामले को लेकर काफी गहनता से जांच पड़ताल करती हुई नजर आई है। वही बता दें कि बदायूं में लगातार जनपद के सभी ब्लॉक परिसर में सहकारी समिति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। वही लगातार उच्च अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। लेकिन वहीं एक सवा गांव के रहने वाले ओमवीर नाम के एक व्यक्ति बिसौली विकास खंड परिसर में नामांकन पत्र दाखिल करने आए थे, लेकिन ब्लॉक परिसर में चुनाव अधिकारी मौजूद नहीं मिले। प्रत्याशी ओमवीर ने चुनाव अधिकारी को फोन पर बात की है और उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कहा, तो चुनाव अधिकारी ने प्रत्याशी ओमवीर को अपने घर पर बुला लिया। वहीं अपने घर पर बैठाकर नामांकन पत्र दाखिल करते नजर आए हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और देखिए ये तस्वीर किस तरीके से घर पर बैठकर यहां नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा है। बदायूं की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बता दें आपको कि यहां पर घर पर बैठकर नामांकन पत्र दाखिल करते हुए नजर आए थे। और साथ ही बता दें कि ये पूरा मामला जनपद के सभी ब्लॉक परिसर के सहकारी समिति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए ये युवक पहुंचा था, और साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात की जाती है। लेकिन इस युवक ने जब सहायक समिति से बात की तो उन्होंने अपने घर पर बुला लिया, और इस दौरान वहां पर घर बैठकर ये नामांकन पत्र को दाखिल किया गया है। साथ ही बता दें कि वही सभा गांव का रहने वाला ये ओमवीर नाम का ये व्यक्ति है। वही कानपुर में बता दें कि ग्वाल टोली थाना के दरोगा आलोक मिश्र सूटगंज मोहल्ले से चोर के पकड़कर लाए गए थे और लाकर ही बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से किसी बहाने से पुलिस को चकमा देकर चोर मौके से फरार हो गया है। वहीं एडिशनल डीसीपी मनोज पांडे ने बताया है कि रोशन पुत्र दीप कौड़ी निवासी पटरी सूटगंज का है, जो कल शाम को चोरी के मामले में लाया गया था। वही हवालात में बंद किया गया था, लेकिन आज वो किसी तरीके से जेल से फरार हो गया है। प्रशासन अब लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके पुलिस सुरक्षा कर्मी संदीप निषाद की 24 फरवरी की प्रयागराज में बता दें कि धूमनगंज इलाके में घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के उमेश पाल हत्याकांड के आरोप पर इनामी राशि बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया था। इस मामले में गैंगस्टर और पूर्व सांसद अतीक अहमद का बेटा असद भी आरोपी है। वहीं फिलहाल वे फरार चल रहा है। असद समेत 5 लोगों के बारे में सूचना देने वाले के लिए इनाम की राशि सोमवार को दोगुनी कर दी गई है। बता दें कि 5-5 लाख रुपए की राशि कर दी गई है, और जिसके बाद से बता दें कि प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और साथ ही जिस तरीके से इन राशियों को बढ़ाया गया है और 5-5 लाख रुपए कर दिया गया है, ये लगातार अब इस मामले को लेकर किस तरीके से एसटीएफ की टीम आगे की कार्रवाई करती है और इस दौरान किस तरीके से उन 5 आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और बता दें कि ये बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और साथ ही उनके पुलिस सुरक्षाकर्मी संदीप निषाद को 24 फरवरी को प्रयागराज के धर्मगंज इलाके में घर के बाहर गोली मारकर हत्या की गई थी। बता दें कि इस दौरान इस मामले को लेकर प्रशासन हर गहनता से जांच पड़ताल करने में जुटा हुआ है। वहीं इस दौरान 5 आरोपियों की तलाश में लगातार प्रशासन जुटा हुआ है, और इस दौरान
कहा यह गया है कि आज इस मामले को लेकर 5-5 लाख रुपए की घोषणा की गई है और साथ ही जो आरोपियों पर इनाम था वो अब दोगुनी हो जाएगी, जिसके बाद से इस हत्याकांड मामले को लेकर प्रशासन अब आगे किस तरीके से कार्रवाई करती है और एसटीएफ की टीम इस मामले को लेकर किस तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। यूपी के फतेहपुर में मल्टी स्टेट कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड बैंकों के द्वारा बता दें कि जमाकर्ताओं का पैसा लेकर भागने वाले ठग कंपनी से पैसे वापस दिलाने के लिए मिशन भगवान भारत यात्रा के तहत ठगी पीड़ित जमाकर्ता पीड़ित के नेतृत्व में जुलूस निकालकर कलेक्टर परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन दिया गया। जिला मुख्यालय स्थित नहर कॉलोनी परिसर में विभिन्न कंपनी और प्राइवेट बैंकों के ठगी के शिकार जमाकर्ताओं ने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के नेतृत्व में जुलूस निकाला और केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए कहा है कि जब तक हम लोगों का वहां पैसा वापस नहीं होता है, आने वाले चुनाव में वोट का बहिष्कार करते हुए हम नजर आएंगे। पीलीभीत में एंटी करप्शन की टीम ने 10,000 रुपए के रिश्वत लेते हुए लेखपाल को धर दबोचा है। बता दें कि अमेरिया तहसील के गांव रानी कॉलोनी से धर दबोचा गया है। वहीं लेखपाल अनुराग गंगवार के बता दें कि एंटी करप्शन के रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल को पकड़ा है और लेखपाल के लेकर एंटी करप्शन की टीम थाने पहुंची है और साथ ही बता दें कि रिश्वत लेते हुए लेखपाल को पकड़ा गया था, जिसके बाद से अब एंटी करप्शन की जो टीम है वो आगे बढ़ते हुए इस मामले को आगे से गहनता से कार्रवाई करते हुए नजर आई थी। कानपुर में असलहों की प्रदर्शनी थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि सोशल मीडिया पर असलहों की प्रदर्शनी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें युवक लोगों को रौब झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब तस्वीर देखिए किस तरीके से असलहे की प्रदर्शनी की जा रही है, असलहों की प्रदर्शनी की जा रही है। युवक की असलहों के साथ कई फोटो और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। असलहों के साथ फोटो और वीडियो बनाकर वायरल करने में युवक का यह शौक बता दें कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और इसको लेकर प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसकी वजह से कानपुर में आए दिन असलहों को लेकर वीडियो बनाकर वायरल करते हुए युवक नजर आते हैं। और एक तस्वीर कानपुर से जहां पर असलहों को लेकर युवक वीडियो बनाता हुआ नजर आ रहा है। ना इस युवक को प्रशासन का खौफ है, ना ही इसको ये चिंता है कि प्रशासन इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई करेगी, क्योंकि प्रशासन इस मामले को लेकर कोई सख्त रवैया अपनाते हुए नजर नहीं आती है और आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है। फरीदाबाद के विकासखंड टूंडला में साधन सहकारी समिति निर्वाचन और नामांकन प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हो गई। इसके दौरान राम नगला सूरज के निर्वाचन अधिकारी के अचानक चले जाने से लोगों ने जमकर हंगामा काटा है। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी टूंडला को लोगों ने अवगत कराते हुए नए निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त करने की मांग की है। पूरा मामला जिला फिरोजाबाद के विकासखंड टूंडला का है, जहाँ पर आज मंगलवार की सुबह पर बता दें कि 10 बजे साधन सहकारिता समिति के निर्वाचन के नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वहीं नामांकन करने के लिए सभी क्षेत्र के प्रत्याशी विकास खंड टुंडला पहुंचे थे। ऐसा है कि जो साधन सहकारी समिति नगला सूरज में जो कि ब्लॉक कार्यालय टुंडला पर संचालक पद हेतु नामांकन होने थे, लेकिन निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार जो कि नारकी ब्लॉक में तैनात है, वो यहाँ 10:15 पर आए थे, लेकिन फिर उनको कोई दो लड़के ले गए, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर नहीं आया है, न वो आए न किसी की कोई नियुक्ति करी है। और इस संबंध में हमने उप जिलाधिकारी महोदय टुंडला को इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया है और अभी 2 बजे तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है और न ही किसी अधिकारी की नियुक्ति हुई है। मामला ये है कि मैं साधन सहकारी समिति नगला सूरज का सदस्य हूँ और आज वहाँ का नामांकन होना था ब्लॉक टुंडला में, तो हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे निर्वाचन अधिकारी नहीं आए थे, थोड़ी देर के लिए आके चले गए और निर्वाचन नामांकन नहीं हो पाया।
लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। बता दें कि अखिलेश ने रामनवमी मनाने को लेकर सरकारी राशि पर सवाल उठाए हैं, साथ ही जिलाधिकारी को भी 1,00,000 रुपए देने के प्रस्ताव को भी स्वागत करते हुए नजर आया। और ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अखिलेश यादव लगातार सवाल करते हुए रामनवमी को लेकर सवाल करते हुए नजर आए हैं, और साथ ही बता दें कि जिलाधिकारी के 1,00,000 रुपए देने के प्रस्ताव का भी उन्होंने जमकर स्वागत किया है। हरदोई के सांगी थाना क्षेत्र में एक युवक के द्वारा खुलेआम बीच सड़क पर अवैध तमंचे से फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एएसपी ने बताया है कि इस मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि हरदोई दबंगों के द्वारा अजीब शौक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई लोग इन्हीं शौकों के चक्कर में जेल में चले जाते हैं और ऐसे ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये थाना सांडी है, वहाँ पे निवापुर गांव पड़ता है, वहीं का ये वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसके संदर्भ में जानकारी की गई तो ये अखिलेंद्र का नाम आ रहा है, उसमें थाना स्तर से कार्रवाई की जा रही है और जो भी इसमें चीज़ें आएंगी उस अनुसार विधिक कार्रवाई में लगाई जाएगी। यूपी के फतेहपुर में पहुंचे, बता दें कि अटल जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत विजय शर्मा उर्फ बता दें कि गणेश दास महाराज ने कहा है कि प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं चालू है वो पात्र लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा है कि जिले में यमुना नदी में लाल सोने का खनन जोरों पर चल रहा है, जिस पर जिला प्रशासन रोक लगाने में असफल दिखाई दे रही है। फतेहपुर जिले में खागा तहसील उमरा गाँव में रहने वाले महंत विजय शर्मा उर्फ गणेश दास महाराज ने कहा है कि इस बार फतेहपुर जिले के लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दिया गया है और जिले में लोगों के साथ मिला हुआ लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने में जिले के अधूरे काम को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि धर्म परिवर्तन पर दूसरा धर्म अपनाने वाले लोगों पर घर वापसी करने के लिए आंदोलन शुरू किया जाएगा। देखिए, महंतों के ऊपर सभी को विश्वास है, लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में माफियाओं का यहाँ वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और रोडों की जो ग्रामीण रोडें हैं उनका स्तर दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, चाहे ओवरलोडिंग की समस्या हो, खनन की समस्या हो, ये लगातार फतेहपुर में बढ़ रही है। गरीबी और बेरोजगारी का स्तर लगातार फतेहपुर में बढ़ता चला जा रहा है। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन सही तरीके से फतेहपुर ज़िले में नहीं हो रहा है। ग्रामीण अंचल में मनरेगा का सही तरीके से लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ग्राम स्तर में बहुत ज़्यादा समस्याएं आकर के खड़ी हो गई हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि मेरी मातृभूमि फतेहपुर। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।